गाइस ये चिंग्स का हक्का नूडल्स मसाला था। इसे आज चाउमीन बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा था, आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में ना थोड़ा सा अदरक और लहसुन जो बारीक चॉप की थी उसको डाल के हल्का सा भून लिया। फिर मैंने एक सॉस बनाई है, मैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर दे दूँगी। वो मैंने आधी पहले डाल दी तेल में, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। हल्का सा भून लिया, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद मैंने प्याज, शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी जो स्लाइसेस में कट कर ली थी वो डाल दिया। फिर इसको तेज़ गैस पर भूनना है। चाइनीज़ चीज़ों में ना गैस को तेज़ रखना है, सारी सी चीज़ों को पहले साइड में तैयार करके रखना, तेज गैस पे इसको भून लिया। फिर इसके बाद मैंने ना बॉइल नूडल्स डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी और बाकी बची सॉस डाल दी, और हक्का नूडल्स का जो मसाला था ना वो डाल दिया। दो पैकेट मैंने यूज़ किए हैं, दोनों डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तेज़ गैस करके। और ना सबसे बड़ी बात, चाइनीज़ चीज़ों में ना आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करो, जो पतली वाली चाइनीज़ वॉक आती है इसको चाइनीज़ वॉक कहते हैं, इसको यूज़ करो, इससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और नूडल्स बॉइल करके ना थोड़ी देर बाहर रख दो, थोड़ा प्लेट में फैला के रख दो, थोड़ा तेल डाल के रख दो, जिससे ना अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है जब अपन इसको तेज गैस पर टॉस करते हैं। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने भी सीखी हैं, आप चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इस मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, आप लोग ट्राई कर सकते हो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। गाइस आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।